of A in which the letter of the word constant can be arranged without changing the relative position of the vowel and consonant. है ना, रिलेटिव पोजीशन जो वॉवल और कंसोनेंट को बिना चेंज किए टोटल नंबर ऑफ ए बताना है, अरेंजमेंट बताना है कॉन्स्टेंट वर्ड का, है ना। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए वॉवल्स की बात करते हैं तो एक ओ है और एक ए है, यानी कि ये अब ये ओ सेकंड प्लेस पे तो सेकंड प्लेस में भी रहेगा, है ना। देख रहे ना, उनका रिलेटिव पोजिशन को नहीं चेंज करना वॉवल और कंसोनेंट का। और ए जो है सिक्स प्लेस पे तो ये सिक्स प्लेस पर ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाएंगे वो कितने कॉन्सेंट हो जाएंगे, टोटल सिक्स कॉन्सेंट हो जा रहे हैं ना जी। लिख सकते हैं कि द वर्ड कॉन्स्टेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू वॉवेल्स two vowels that are placed at the second and sixth place, second place या sixth place पे होगा, क्योंकि ये second place पर O है और ये sixth place पर A है, ठीक है। and सिक्स कॉन्स्टेंट इसमें कितने हैं, सिक्स कॉन्स्टेंट भी है, इन दोनों वॉवल को छोड़ दिया जाता है सिक्स कॉन्स्टेंट। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे जो दो आपके पास सेकेंड और सिक्स प्लेस पे रखने हैं इनको आपस में अरेंज करने का, तो टू का फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू टोटल। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो सिक्स का फैक्टोरियल और बाई में देखिए इसमें से क्या होगा, सिक्स कॉन्सोनेंट्स में से यहाँ पर देखिए टी है ना और एन है दो बार, तो दो बार टी है और दो बार एन है, तो ये से कट जाएगा। सिक्स का फैक्टोरियल सिक्स इंटू में फाइव इंटू में फोर इंटू में थ्री और इंटू में टू का फैक्टोरियल, और नीचे भी है आपका टू का फैक्टोरियल, यही से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360 है, गुणा करने पर ए नंबर हो जाएगा नाइन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।